सबसे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि हर जगह हर इंसान के दिमाग में सकल और अकल का अलग अलग अंदाज होता है। कोई सकल को वरीयता देता है, कोई अकल को देता है, और बहुत अच्छी सकल के पीछे मेरा नंबर डॉक्टर साहब ने दिया है। आइए कोशिश करूंगा भैया, क्यों कहा जिस मेले के बड़े चतुर चालाक और निपुण संचालक हैं डॉक्टर हरवीर सिंह। आइए चलते हैं कुछ शब्दों के द्वारा इस इंसान का मार्गदर्शन। देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप सब श्रोताओं को मैं संतुष्ट करूंगा, लेकिन हर गायक हर एक श्रोता की एक अलग क्वालिटी होती है। तो आगे भैया किस तरीके से क्या बताएं? किनारे खेलनी चाहिए, लेकिन भैया श्रोताओं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, इतना जरूर कहूंगा मेरा उद्देश्य सिर्फ अपनी संस्कृति और इस जिगड़ी को जीवित रखने का है। वास्तव में जिगड़ी की बातचीत भैया भूपेश क्या होती है, किस तरह से
डॉक्टर साहब सारी रात सुनता रहा गायकों की तरफ से नैन कटोरे काजर डोरे, एक भी गायक इस तर्ज से पीछे नहीं गया, क्योंकि ये नाजुक हैं, ये कमजोर हैं, ये जिगड़ी की बातचीत कर ही नहीं सकते किस तरह से बेटा हुए। दशरथ सरयू नदी के किनारे शिकार खेलने के लिए पहुंचे, इधर में वो आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार अपने माता पिताओं को तीर्थ यात्रा कराता हुआ उसी नदी के किनारे ठहरा हुआ है। लेकिन हुआ क्या, श्रवण कुमार के माता पिताओं को प्यास लगती है, कहने लगे किस तरीके से क्या कहते हैं, कहने लगे बेटा प्राण आधार न करो, अब आर तुरंत ही जाओ और हमें भारी लग रही प्यास, नीर भलाओ, जल लेबे कु त्यार भयो, सकुमार न करी अबारी और जब झुकी अंधारी रेन सुनो। लेकिन मेरा नौजवानों की तरफ एक इशारा है कि जो सच्ची संतान होती है उस संतान की निष्ठा माता पिता के प्रति क्या होती है, क्या हुआ भैया, अनसुत भाल पति को जायो पहुंच
गायकों को चेतावनी दे रहा हूं, यदि चिकड़ी की बातचीत कहते हुए कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए यदि यहां कोई अपनी प्रस्तुति देगा तो जरूर 4 दिन रेस्ट करेगा घर पे, क्या बताएं। तो लोटा को जल में डुबकने की आवाज राजा दशरथ के कानों तक पहुंची। सोचा कोई जंगली जानवर जल पी रहा है, क्यों नहीं मुझे शिकार करना चाहिए। तो सज्जनों अगली बात किस तरीके से क्या करते हैं वो राजा दशरथ, और कैसी बात, कुमर के हृदय गयो समाई, या के मुखते निकरी हाय क्या रची विधाता, और मेरे प्यासे रह गए आज पिता और। जैसे ही बाण लगते ही माता पिता की आवाज कहकर के जमीन पर गिर गया। राजा दशरथ सोचने लगे कि आज मेरे हाथों से कोई इंसान मारा गया, चलते हैं वहां से कहां पहुंचे और किस तरह से भैया। अब दापुरी सो
का संकेत है, लेकिन चार मिनट में जो आपके सामने जो कुछ मैंने प्रस्तुति में दिया उसका सारा निचोड़, उसका सारा मरहम आने वाला है। भैया भूपेश, जब वो राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास में पहुंचे और पूछा, भाई आप कौन हो, तो बड़ी कराहट की आवाज में, बड़ी पीड़ा भरे शब्दों में वो श्रवण कुमार कहने लगा, मेरे बाण मारने वाले आप कौन होते हो? कहा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। इतना सुना, किस तरीके से वो श्रवण कुमार दुखी होकर के अपने हृदय के उद्गार पेश करता है और कैसे कहता है, चाहता हूं आपसे अभी। हमारा किसान भाई यहां बैठा हुआ है,
भाई क्या कहने आइए सजनों, जो अभी अभी किसानों के सामने जो पीड़ा चढ़ रही है, जो दुख चल रहा है, उसके लिए ना तो मैं किसी राजनीति वालों से कुछ कह सकता, ना ही मैं किसी जातिवाद से कुछ कह सकता। मैं अपनी भावना इस जनता के सामने प्रकट कर देना चाहता हूं। वो मेरी पीड़ा क्या है, आपको करना क्या है। यदि आपको मेरी अच्छी बात लगती है तो मेरे शब्दों को सुन के मुझे ये पता लग जाना चाहिए कि वास्तव में मैंने सही कहा। हाँ जी बेटा भूपेश, छिताना होगा दुराचारियों के सामी, तुम्हें अपना कदम बढ़ाना होगा। सुना